अस्सलामु अलैकुम गाइस, एजुकेशन इन कराची के चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में हम नमल यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के बारे में बात करेंगे, जिसका पूरा नाम है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। इसके काफ़ी कैंपसेस हैं। कराची में इसके कैंपस का एड्रेस ये है और वेबसाइट numl.edu.pk। इसके फॉल सेशन के एडमिशन्स आए हुए हैं, तो हम इस वीडियो में नमल के प्रोग्राम्स देखेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम्स पढ़ाए जाते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है और अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए आप educationincarachi.net वेबसाइट पे जाओगे। इसमें आप एडमिशन्स अपडेट पे क्लिक करोगे। एडमिशन्स अपडेट में यहाँ पे आपको हर यूनिवर्सिटी की एडमिशन अपडेट मिलेगी। इसमें नमल एडमिशन्स फॉल 2022, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस कराची कैंपस हैज अनाउंस्ड द एडमिशन्स इन डिग्री प्रोग्राम्स इन सर्टिफिकेट कोर्सेज फॉर सेशन फॉल 2022। वेबसाइट पे एडमिशन डिटेल्स देखने का एक फ़ायदा ये है कि अगर आप इस पे क्लिक करोगे नमल पे, तो नमल के इससे पहले जितने भी एडमिशन्स आए होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। ये बैचलर्स प्रोग्राम्स है जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस में पढ़ाए जाते हैं। BS English, BS Commerce, BS Psychology, BS Islamic Studies, BS Mass Communication और B.Ed. ये प्रोग्राम्स मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट्स में पढ़ाए जाते हैं। वेबसाइट पे एडमिशन डिटेल्स डालने का एक और फ़ायदा ये भी है कि आपको अगर किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के एडमिशन डिटेल्स देखनी है, मतलब कि इस प्रोग्राम के एडमिशन्स और किन किन यूनिवर्सिटीज़ में आए हुए हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे आप B.Ed. पे क्लिक करोगे तो B.Ed. के जितने भी एडमिशन्स आए होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अभी नमल के आए हैं, उससे पहले सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के आए थे, उससे पहले के आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ये काम मैंने अभी शुरू किया। अब से जितने भी एडमिशन्स आएंगे वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसी तरह आप हर फील्ड के देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कौन कौन से तलबा कौन कौन सी फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। BS English, उसके लिए इंटरमीडिएट या ए लेवल में कम से कम 50% चाहिए। इंटरमीडिएट किसी भी ग्रुप का हो, आपकी इंटरमीडिएट में ओवरऑल 50% होनी चाहिए। इसी तरह BS Commerce में इंटरमीडिएट में कम से कम 45% चाहिए। अगर आपने इंटरमीडिएट की जगह ए लेवल किया है तो आपकी ए लेवल में कम से कम 50% होनी चाहिए। इसी तरह BS साइकोलॉजी का भी सेम क्राइटेरिया है, BS मास कम्युनिकेशन का भी सेम क्राइटेरिया है, BS इस्लामिक स्टडीज़ का भी सेम क्राइटेरिया है। B.Ed. के लिए इंटरमीडिएट में कम से कम 50% चाहिए। फ़ी स्ट्रक्चर, ये प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं और ये हर प्रोग्राम के फ़ीस लिखे हुए हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है, इसमें एडमिशन फ़ीस और बाकी चार्जेस भी इंक्लूड है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इतनी देनी पड़ेगी और अदर सेमेस्टर्स में आपको ये देनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप BS साइकोलॉजी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में 72,000 देनी पड़ेगी, उसके बाद हर सेमेस्टर आपको 47,580 देनी पड़ेगी। अप्लाई कैसे करना है? एप्लीकेशन फ़ीस 2000 है। अप्लाई के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अकाउंट बनाओगे, फिर साइन इन करोगे, फिर एक फॉर्म आएगा, आपको वो फॉर्म आप पूरा फिल करोगे और एडमिशन फ़ीस पे करोगे। इस तरह आप अप्लाई कर सकते हो।